हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आई एम प्रिया मेहता और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि इनमें से आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। टीवी के अराउंड, मोबाइल के अराउंड, बुक्स के अराउंड, न्यूज़पेपर्स के अराउंड, मैगजीन्स के अराउंड, और सारी की सारी हमारी जो ज़िंदगी है ना वो इसी पर बेस्ड हो गई है। स्पेशली कोरोना टाइम में तो बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई भी मोबाइल से ही चल रही है, इंटरनेट से चल रही है, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर्स हैं, इन सभी को हम अगर कंबाइंड देखें तो हम इन्हें कहते हैं मीडिया। मीडिया यानी कि संचार, और यही है हमारा आज का टॉपिक, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 7 की सिविक्स का चैप्टर 6 हम जो करने जा रहे हैं उसका नाम है संचार माध्यमों को समझना या अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अब देखिए, आप ये समझ चुके हैं कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इंटरनेट, ये सब क्या है? ये सब मीडिया है। यानी कि अब ये मीडिया वर्ड कहाँ से आया? मीडिया के बारे में पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए कि मीडिया वर्ड कहाँ से आया। इंग्लिश में एक वर्ड है मीडियम, और उसी मीडियम का बहुवचन अगर हम देखें तो वो है मीडिया। यानी कि मीडियम इज़ एन इंग्लिश वर्ड एंड द प्लूरल ऑफ मीडियम इज़ मीडिया। तो इसीलिए देखिए, जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, टीवी पे कुछ देखते हैं या न्यूज़पेपर्स में कुछ पढ़ते हैं, तो उन सब से हम क्या देख रहे हैं? उन सब से हम किसी की बात पूरे देश विदेश में पहुंचा पाते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं संचार के माध्यम। और ऐसे माध्यम जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सारे जो अभी मैंने आपको गिनाए हैं, वो सारे मीडियम्स जो हैं वो देश विदेश तक, यानी कि जनसमूह क्या हुआ, जब हम बहुत ज़्यादा लोगों तक, मास ऑफ पीपल में जब हम अपनी बात पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं जनसमूह, ठीक है? तो जनसमूह तक जब हम अपनी बात पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं जनसंचार माध्यम या फिर मास मीडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनसंचार माध्यम या मास मीडिया, जब हम अपनी बात देश विदेश के जनसमूह तक पहुँचा। संचार माध्यम और तकनीक, यानी कि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो मीडिया और टेक्नोलॉजी आपस में कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के बिना लगभग अधूरे ही हैं। वो कैसे? संचार माध्यम में हमने क्या चीज़ें देखी? टीवी, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब कुछ संचार के माध्यम हैं। और ये कैसे चल रहे हैं? ये तकनीक के कारण चल रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण चल रहे हैं। अभी आप जो मुझे सुन पा रहे हैं, वर्कशीट देख पाएंगे, हर रोज़ आप पढ़ पा रहे हैं, अपनी क्लासेस लगा पा रहे हैं, वो किस तरीके से लगा पा रहे हैं आप? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप हर चीज़ घर बैठकर भी कर पा रहे हैं, और जिस माध्यम से कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो है ही है, लेकिन ये जो फ़ोन आपने हाथ में पकड़ा है या आपको न्यूज़पेपर घर में आता है, ये सब क्या है? ये सब हैं संचार के माध्यम। और अगर आप ध्यान से देखें तो संचार के माध्यम कितने अलग अलग तरह के होते हैं, है ना? जैसे कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, यानी कि फ़ोन देख रहे हैं, आप टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं, आप रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो में कोई प्रोग्राम सुनते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स, राइट? उसके अलावा जो आप पढ़ पाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, कोई बैनर हो गया, बुक्स हो गई, आपकी वर्कशीट हो गई जो आप प्रिंट फॉर्म में आपको मिलेगी, इस तरह से वो क्या हो गया? प्रिंट मीडिया कहेंगे हम उसे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के अलावा एक मीडिया और है जो अब लेटेस्ट जिसे हम कहेंगे, वो है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स होंगी, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, राइट? उसी तरह से इसको हम ब्रॉडकास्टिंग मीडिया कहेंगे। अब देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें और आज को कंपेयर करें, क्या हमने कभी सोचा था कि हम कभी फ़ोन से भी पढ़ पाएंगे? क्या हमने कभी सोचा था कि हम घर बैठकर भी ये सारी क्लासेस लगा पाएंगे? तो इन सब चीज़ों से हमने क्या देखा कि आज के समय में तकनीक और मशीन इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, इतनी आधुनिक बन गई है कि हमें बहुत सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, यानी कि इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। ध्वनि यानी कि साउंड इम्प्रूवमेंट हुई है,
चित्रों में इम्प्रूवमेंट, पहले ब्लैक एंड वाइट दिखा करता था, उसके बाद कलर्ड आया, उसके बाद हाई डेफिनेशन यानी कि और ज़्यादा क्लियर दिखने लगा। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो तकनीक है और संचार के जो माध्यम हैं वो धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। इसी चीज़ का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप समझें तो क्या आपको 2 साल पहले पता था कि कभी गूगल मीट से क्लासेस लग पाएंगी, कभी जूम ऐप से क्लासेस लग पाएंगी? लेकिन आज जैसे आपने सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज जब हमें ज़रूरत पड़ी कि घर पर रह के हम कैसे पढ़ेंगे, तो हमने देखा कि गूगल मीट इन्वेंट कर दिया, जूम ऐप इन्वेंट कर दी, इस तरह की और बहुत सी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप आज घर बैठकर भी पढ़ पा रहे हो। यूट्यूब इज़ वन ऑफ देम। यूट्यूब आपको हेल्प कर रहा है कि आप घर बैठकर किस तरह से हर चैप्टर को अपनी टीचर के साथ रिवाइज कर पा रहे हैं, गूगल मीट पर, यूट्यूब पर हर वीडियो देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तकनीक का आधुनिकीकरण है यानी कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की एक और एडवांसमेंट कहें तो आज हम घर पे बैठकर अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में, कहीं पूरी दुनिया में किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और वैसे ही अगर हम बात करें टीवी की, तो टीवी में जो आप कार्टून्स देखते हैं ना, वो कार्टून्स ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वहीं के लोग इसे देख सकते हैं, आज तो गांव-गांव में, कहीं पर भी, पूरी दुनिया में आप कुछ भी कहीं पे भी देख सकते हैं। इंटरनेट की हमको इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट, तकनीक इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो एक तरह से वी शुड थैंक टू दिस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने भी ये सब बनाया है उनको भी हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये 1940 के एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की है, और जब से ये टाइपराइटर आया था तब से जर्नलिज्म में यानी पत्रकारिता में बहुत बड़ा चेंज आया था, क्योंकि चीज़ें करनी और आसान हो गई थी। अब हम इतनी देर से इंटरनेट की बातें कर रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ कि इंटरनेट बनाया किसने, इन्वेंट किसने किया था। ये किया था 2 अमेरिकन्स ने जिनका नाम था विंट सर्फ और बॉब काहन ने। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? ऑफकोर्स इंटरनेट ने ही। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जो टीवी है वो किसने डिज़ाइन किया था। वो डिज़ाइन किया था फिलो टेलर फ्रांसवर्थ ने, जब वो सिर्फ 21 इयर्स के थे। ये आपकी बुक में नहीं है, आपको एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन इंटरनेट पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली इसलिए सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और ये पिक्चर है फिलो टेलर फ्रांसवर्थ की, जिन्होंने 21 इयर्स की ही उम्र में टीवी इन्वेंट कर दिया था। इसी वजह से तो आप टीवी देख पा रहे हैं, तो इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा जब आप टीवी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक संचार माध्यम और धन यानी मीडिया एंड मनी। अभी तक हमने देखा कि मीडिया किससे कनेक्टेड था, टेक्नोलॉजी से, तकनीक से बहुत गहरा रिश्ता है इसका। अब देखिए संचार माध्यम और धन का रिश्ता कितना ज़्यादा गहरा है। जन संचार द्वारा जो कुछ भी तकनीकें अपनाई जाती हैं वो बहुत ही खर्चीली होती हैं। कैसे? अगर बात करें टीवी स्टूडियो की, जहाँ पर आप एक न्यूज़ एंकर को टीवी पे न्यूज़ बोलते हुए सुनते हैं, वहाँ पर जो न्यूज़ एंकर न्यूज़ बोल रहा है उसे भी वेतन देना है, उसे भी सैलरी देनी है। उसके अलावा जिन लोगों को आप वहाँ देख नहीं पा रहे हैं, जैसे कि जो लाइट का अरेंजमेंट करते हैं, कैमरा का अरेंजमेंट करते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसके अलावा जो यंत्र यानी कि जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब कहाँ से आएंगे? वो बहुत ही महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसलिए ये जो जनसंचार का जो कुछ भी इसमें तकनीकें लगते हैं ये बहुत ही खर्चीली होती हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। अभी जब हमने संचार माध्यम और तकनीक के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि तकनीक जो है वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होती जा रही है, हर दिन कुछ नया होता जा रहा है तकनीक में, कुछ नवीनतम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है तो उसमें नेचुरली सी बात है कि धन तो ज़्यादा लगता ही रहेगा। अब ये सब धन कहाँ से आएगा? इस कारण से जो मैक्सिमम टीवी चैनल्स हैं, सभी नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो टीवी चैनल्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने अपने आप को किसी न किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ कनेक्ट कर लिया है यानी जोड़ लिया है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ अपने आप को जोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, उन्हें प्रॉपर वेतन मिलता रहता है यानी सैलरी उनको बहुत अच्छे से मिलती रहती है। अब आप टीवी देखते हैं तो आपने टीवी में बहुत बार एड्स देखी होंगी, है ना? एड्स यानी कि विज्ञापन।
कभी सोचा है, जब भी आप टीवी देखते हैं, चाहे आप न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे आप कोई सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या इवन कोई मैच देख रहे हैं, तो हर ओवर के बाद कोई ना कोई एड्स आ जाती हैं, कोई विज्ञापन आ जाता है। ये सब क्यों होता है? और बहुत से विज्ञापन आते हो जो कि आप बार बार रिपीट करते हुए देखते हैं, यानी कि किसी कार का विज्ञापन है, या किसी चॉकलेट की एड है, या किसी कपड़े के बारे में है, या किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में। ये सब एड्स क्यों आती हैं? ये एड्स बार बार इसलिए आती हैं क्योंकि जब इनका ऐसा मानना है कि जब आप बार बार इन एड्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो जब आप मार्केट जाएंगे तो उन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको एकदम से ध्यान आएगा कि हाँ, मैंने इसकी एड देखी है, विज्ञापन देखा है, तो आप उसे ज़रूर खरीदेंगे। इसी आशा से ये लोग बार बार एड्स डालते हैं। एड्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, और अभी आज के लिए हम चैप्टर का इतना ही पार्ट करेंगे। तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि जब हम कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे वीडियो का तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। So, till the next video, take care, bye-bye.